तो आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट मस्ट हैव हैंडबैग्स फॉर दिस फेस्टिव सीजन. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं तो हाई, आई एम सुप्रिया. आई मेक वीडियोज अबाउट लाइफ स्टाइल, फैशन, हॉल एंड ट्रेवल. तो अगर आपको इस टाइप का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो. तो मैंने अमेजोन से कुछ बहुत ही खूबसूरत एथनिक बैग्स पिक किए हैं एंड दीज बैग्स आर परफेक्ट फॉर अपकमिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन. आई एम इन लव विथ ईच एंड एवरी बैग जो भी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी. ऑल्सो अमेजोन पे अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल इज लाइव. शॉप नाउ टू गेट अप टू 50-80% ऑफ ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स. देयर आर 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स, ग्रेट प्राइसेस, unbeatable deals and 50k plus unique styles. Also you will get free delivery on your first order, 30 days easy return, pay on delivery option and extra 10% cash back on fashion and beauty purchase. This sale is so good, aapko bahut hi acche deals and discounts mil rahe hain. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दी सेल आउट. तो इन सारे हैंडबैग्स के जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और चलो अब बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एथनिक वार्डरोब, तो एक बैग जो आप सबके पास होना ही चाहिए वो है एक गोल्डन कलर का बैग. एंड टूडे आई हैव दीज टू गोल्डन कलर पोटली बैग्स विथ मी. तो आप किसी भी टाइप के गोल्डन बैग में इन्वेस्ट कर सकते हो. मुझे ना पर्सनली इस टाइप के जो पोटली स्टाइल में बैग्स होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं. सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस बैग. तो बेसिकली ये एक पोटली बैग है. इट हैज दिस लाइक कॉटन सैटिन टाइप ऑफ अ फैब्रिक, लाइक बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है. एंड देन इट हैज दिस हैंडल. इसके ना ये हैंडल्स पे पर्ल लगे हुए हैं. ऑल्सो इस वाले बैग के ना ये नीचे के पोर्शन में भी लाइक इट हैज दिस पर्ल एंड ऑल्सो राइनस्टोन का वर्क. के बॉटम पे इट हैज अ कार्डबोर्ड. इसकी वजह से ना लाइक ये काफी ऐसे स्टर्डी सा बैग लगता है. इसमें ना आपको ये दो स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं. इसके बिना नीचे में इट हैज दिस ब्यूटीफुल लटकन. इसको ओपन करने के लिए जस्ट ओपन इट लाइक दिस और इसके अंदर आपको एक ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. तो मैंने इस बैग को मई में परचेज किया था और मैं इसको उसके बाद काफी टाइम यूज कर चुकी हूँ. इट्स फ्रॉम द ब्रांड बैग बुटीक. बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ये बैग है. इसमें आपको इसके अलावा और बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं. लाइक बहुत ही प्यारे प्यारे से इसमें कलर्स अवेलेबल है. बट आई वेंट विद दिस न्यूट्रल कलर बिकॉज ये ना फिर आपके और बहुत सारे कलर के आउटफिट के साथ में पेयर अप हो जाता है. क्वालिटी इसकी बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी है. लाइक मैं इसको अभी तक आई थिंक 6-7 बार यूज कर चुकी हूँ. खासा सामान भी फिट होता है. आपके सारे एसेंशियल आइटम इसके अंदर बहुत ही आराम से आ जाएंगे. एक मिनी परफ्यूम, मिनी लिपस्टिक, छोटा सा मिरर, एक कॉम्ब, आपके कीज, आपका वॉलेट, लाइक सब कुछ इसके अंदर आ जाता है मेरा. और ये बैग मुझे मिला है फॉर 450 रुपीज. आई थिंक इट्स अ स्टील डील एट दिस प्राइस. नाउ नेक्स्ट गोल्डन बैग इज दिस वन. सो दिस बैग इज अ वेरी रिसेंट परचेज. लाइक मैंने इसको पिछले वीक ही परचेज किया है. इट्स मेड अप ऑफ रॉली गुड क्वालिटी कॉटन टाइप ऑफ अ फैब्रिक और उसके ऊपर ना ये बहुत ही खूबसूरत से एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क हो रखा है. इसके बिना ये बॉटम के पोर्शन में इट हैज कार्ड बोर्ड तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टर्डी फील होता है. इसके ऊपर के पोर्शन में भी इट हैज दिस लेस वर्क विद सिल्वर कलर एंड देन इसमें आपको ये दो स्ट्रिंग्स मिल जाती है. स्ट्रिंग्स में अगेन ये बहुत ही खूबसूरत से लटकन लगाए गए हैं पर्ल वाले. एंड टू ओपन इट अगेन लाइक इसकी भी वही सेम ओपनिंग है. जस्ट यू नीड टू डू दिस टू ओपन इट. तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. इट ऑल्सो फिट्स इन माई फोन. लाइक मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स और वो भी इसके अंदर अच्छे से फिट आ जाता है. तो इसके ऊपर ना ये अलग अलग कलर से वर्क हो रखा है, राइट? तो ये ना आपके बहुत सारे आउटफिट के साथ में बहुत ही इजीली पेयर अप हो जाएगा. ऑल्सो इट्स क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है. सो दिस बैग वॉज फ्रॉम द ब्रांड मिलान कलेक्शन और ये मुझे मिला है फॉर 538 रुपीज. एब्सोल्यूटली लव दिस बैग. ओके, नेक्स्ट अप लेट्स डू पर्ल्स. तो मुझे ना पर्सनली पर्ल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. लाइक किसी भी चीज में हो, बीट इन ज्वेलरी, बैग, ड्रेस, फुटवेयर, इन एनीथिंग. फॉर पर्ल बैग ना आज मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शन है. आई विल स्टार्ट विथ माई फेवरेट वन एंड दैट इज फ्रॉम द ब्रांड पर्ल फिएस्टा. सो दिस इज द बैग. तो ये एक मिनी बकेट बैग है मेड आउट ऑफ पर्ल्स एंड इट्स अ वेरी स्टर्डी सा बैग. इसमें आपको एक छोटा सा हैंडल भी मिलता है टू कैरी इट. इसके ना ये फ्रंट में इट हैज दिस ब्रांडिंग
एज वेल। अगर आप इसके अंदर कुछ भी डायरेक्टली डालोगे तो वो गिर जाएगा राइट। तो इसके साथ आपको ये पाउच भी मिल जाता है जो कि आपको इसके अंदर में डालना होता है। तो आप ना अपना सारा सामान इसके अंदर रखो, देन यू नीड टू पुल दीज स्ट्रैप्स। तो ये ऐसे क्लोज हो गया, ओके आपका सामान इसके अंदर सिक्योर हो गया। आप फिर इस वाले पाउच को ना इस वाले बैग के अंदर में डाल दो। सो नाउ योर बैग विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर है आपका पाउच और इसके अंदर आपके सारे बिलोंगिंग्स बहुत ही सिक्योर्ड रहेंगे। ऑल्सो इस वाले बैग में ना आपको एक ये पर्ल स्ट्रैप भी मिल जाता है, तो आप इसको एज अ साइड बैग या फिर एज अ क्रॉस बॉडी बैग भी यूज कर सकते हो। एंड द क्वालिटी, ओ माई गॉड, द क्वालिटी ऑफ दिस बैग इज सो सो गुड यू गाइज। लाइक इसमें ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये पर्ल्स यूज किए गए हैं, एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये है फ्रॉम द ब्रांड पर्ल फिएस्टा और ये मुझे मिला है फॉर 1599 रुपीज। ऑफकोर्स यू आर पेइंग फॉर दी क्वालिटी। तो अगर आपको भी एक ऐसा यूनिक सा बैग चाहिए फॉर योर एथनिक आउटफिट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। अ ह्यूज थम्स अप फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट पर्ल बैग इज दिस वन। तो ये एक शोल्डर बैग है मेड आउट ऑफ पर्ल्स। सो इट हैज दिस फ्लैप क्लोजर और इसमें आपको लाइक कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। इट कैन होल्ड ऑल योर इसेंशियल आइटम्स एंड देन यू विल गेट दिस शोल्डर स्ट्रैप। मुझे पर्सनली इस बैग की जो लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इट लुक्स वेरी स्मार्ट। इसको आप अच्छे से प्लास्टिक में डाल करके स्टोर करो, इसके ऊपर कोई भी हेवी चीज मत रखो। इट विल लास्ट यू अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल बैग। ये आपके एथनिक आउटफिट के साथ साथ वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पेयर अप हो जाता है बहुत ही आराम से। आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट अप, आई हैव वन ऑफ माई फेवरेट हैंड बैग दैट आई ओन और वो है दिस ब्यूटिफुल बेज कलर बैग। सो दिस बैग इज मेड आउट ऑफ रेजिन। इट हैज दिस ब्यूटिफुल मार्बल फिनिश एंड देन इट हैज दीज पर्ल हैंडल एंड लाइक ये ना बहुत ही ऐसे स्टर्डी सा एक बॉक्स बैग है। इसको ओपन करने के लिए जस्ट इसको ऐसे पुल करो और ये ओपन हो जाता है। इट हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस एज वेल। ऑल्सो इसमें आपको एक गोल्डन कलर की चेन भी मिलती है, तो आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपके बेसिक इसेंशियल आइटम्स आ जाएंगे, आपका कार्ड, कुछ कीज, थोड़ा सा कैश, एक छोटा सा परफ्यूम, छोटा सा लिपस्टिक, ये सब इसके अंदर आ जाता है। सो दिस बैग इज फ्रॉम द ब्रांड पर्ल फिएस्टा और ये मुझे मिला है फॉर 1499 रुपीज। इस वाले बैग में ना आपको ये बेज कलर के अलावा और बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आई रियली लाइक द ग्रीन वन एज वेल। अगर आप ये वाला बैग परचेज करते हो ना तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखना होगा, बिकॉज इसके ऊपर ना जो स्क्रैच होता है वो बहुत ही जल्दी आता है, बिकॉज इट्स मेड आउट ऑफ रेजिन। बट इट लुक्स सो प्रिटी एंड क्लासी, लाइक इट्स अ प्रीमियम पीस यू गाइज। आई एब्सोल्यूटली लव दिस बैग। अगेन आई वेंट फॉर अ बेसिक न्यूट्रल कलर बिकॉज मुझे इससे अच्छा खासा यूज निकालना था बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी, गो विथ अ न्यूट्रल कलर अगर आप चाहते हो कि आप उस बैग को ज्यादा यूज कर पाओ तो। नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटल बैग्स। तो पिछले एक दो साल से ना लाइक मेटल बैग्स आर एवरीवेयर, इट्स अ ट्रेंड यू गाइज। एंड अगेन आई हैव टू बैग्स फॉर यू गाइज इन दिस कैटेगरी। तो फर्स्ट इज अ वेरी न्यू एडिशन और वो है दिस सिल्वर कलर मेटल बैग। सो इट इज मेड आउट ऑफ लाइक प्योर मेटल, आप देख सकते हो। इसके नीचे में इट हैज दीज घुंघरू, लाइक आई लव द साउंड ऑफ घुंघरू। और उसमें फिर आपको ये बहुत ही स्टर्डी हैंडल्स मिल जाते हैं। इट हैज दिस बकल सॉर्ट ऑफ अ क्लोजर एंड देन इसमें आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर में इट हैज दिस पर्पल कलर की वेलवेट लाइनिंग एज वेल। इसके भी अंदर आपके सारे एसेंशियल आइटम्स बहुत ही अच्छे से फिटिंग हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ दिस बैग इज रियली गुड। इट्स फ्रॉम द ब्रांड ट्रेंड्स ओवरसीज एंड दिस ब्रांड बेसिकली मेक्स मेटल बैग्स ओनली। उनके पास लाइक बहुत अच्छा कलेक्शन है ऑफ दीज काइंड ऑफ मेटल बैग। आपको हर टाइप का बैग उनके पास मिल जाएगा। अगर आपको एक बोहो लुक क्रिएट करना है या फिर अगर आपने कुछ सिल्वर ज्वेलरी डाल रखी है ना उसके साथ ये वाला बैग बहुत ही अच्छे से पेयर अप होता है। और अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं, आई मीन इमेजिन दिस बैग विथ ऑल योर गरबा आउटफिट्स, कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा यू गाइज। और मैं इसको काफी ज्यादा यूज करने वाली हूँ, आई नो। आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव पीस इन एवरी गर्ल्स वार्डरोब। और ये मुझे मिला है फॉर 1399 रुपीज। बहुत ही अच्छा प्राइस है फॉर दिस काइंड ऑफ मेटल बैग। अगर आप जाओगे ना किसी लोकल मार्केट में भी लाइक जनपल, तो वहां पे भी आपको लाइक इसी सिमिलर रेट पे ये वाला बैग मिलेगा। और अगर आपको मेटल बैग चाहिए इन अफोर्डेबल प्राइस, तो मेरे पास आपके लिए भी कुछ है और वो है दीज काइंड ऑफ मेटल बैग्स। आई एम प्रिटी श्योर आपने इस टाइप के बैग
टैग्स डेफिनेटली देखे होंगे. सो इट इज ऑल्सो मेड ऑफ मेटल और इसके ऊपर ये सिल्वर एंड गोल्डन दोनों कलर के ये सर्कल्स लगाए गए हैं. इट ओपन्स अप लाइक दिस. ऑल्सो इसमें आपको ये स्लिंग स्ट्रैप भी मिल जाता है, तो आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको ना लाइक यहाँ से रिमूव करके इसको एज अ क्लच भी यूज कर सकते हो. तो मैंने ये वाला जो पर्टिकुलर बैग है ना ये परचेज किया था जनपद से फॉर 500 रुपीज. और मैंने ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर बैग्स ना अमेजोन पे भी देखे हैं यही सेम प्राइस पे, बल्कि उनका जो पूरा डिजाइन है ना वो इससे ज्यादा बेटर है. इसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा स्पेस मिल जाता है, इसके अंदर आपके ज्यादा चीजें आ जाएंगी. लाइक मेरा फोन तो इसके अंदर नहीं आता है, पर अगर मेरे पास उससे कोई छोटा फोन होता तो वो इसमें आ जाता. बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको ये अमेजोन पे मिल रहा है. आई थिंक आपको इसके लिए डेफिनेटली जाना चाहिए. एंड फाइनली मैं शेयर करने वाली हूँ माई फेवरेट बैग ऑफ ऑल टाइम और वो है दिस ब्यूटिफुल बंजारा बोहो बैग. तो मैंने इस वाले बैग को परचेज किया था फ्रॉम जनपथ और ये मुझे मिला था फॉर 2000 रुपीज. और मैं जब भी इस वाले बैग को कैरी करती हूँ ना मुझे आप लोगों से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्लीज इसका लिंक दे दो, पर मैं आपको इसका लिंक नहीं दे पा रही थी. बट गेस व्हाट, मुझे ये सिमिलर बैग अमेजोन पे मिल गया. सो बेसिकली ये एक स्लिंग बैग है. इट हैज दीज लाइक एम्ब्रॉयडरी, दीज मिरर वर्क, दिस shell work and then it has these pom poms and all on it. Like it has a very like boho banjaran vibe to it and I absolutely love that vibe. Like I love anything boho, anything banjara, I will wear it, I will buy it. Also iske saath mein you will get this detachable belt as well. To aap na is wale belt ko with other bags bhi use kar sakte ho. So this is how this bag looks like. It's beautiful, it's a piece of art. Aur is type ke jo bag होते हैं ना लाइक दीज आर हैंडमेड, इसमें कहीं पे भी कोई भी मशीन नहीं यूज होता है, इसीलिए ना लाइक ये थोड़े से एक्सपेंसिव बिकते हैं. और इनकी वाइब इतनी अच्छी आती है ना लाइक इट लुक्स सो 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 प्रिटी. आई नो मैंने प्रिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर लिया है बट दिस बैग डिजर्व दैट. सो प्रिटी, इट्स माई फेवरेट बैग फ्रॉम माई इंटायर वार्डरोब. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. जो नोटिफिकेशन का बेल है आप उसको भी प्रेस करो ताकि यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव देयर. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो. सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब. चलो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में. बाय.